हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल करियर ट्यूटर। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड की एक ज़बरदस्त एलिजी है जिसको इन्होंने अपने फ्रेंड के ऊपर लिखा, आर्थर हुक क्लॉक, और ये 1866 के अंदर पब्लिश होती है। और ये एक लॉन्ग नरेटेड पोइम है, यानी कि एक शोक गीत है, और वो भी 240 लाइन का है, 240 लाइन से इसके अंदर, यानी कि 24 स्टेंजा हैं और हर एक स्टेंजा जो है वो 10 लाइन का है। और ये एक सेफर्ड के ऊपर लिखी गई है, और जो एलिजी जो लिखी गई है, सेफर्ड जो है, ये एक आर्थर हुक क्लॉक इनका एक फ्रेंड था। आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, मैं मैथ्यू आर्नोल्ड ने 1840 से लेकर के 1844 तक, यानी कि 4 साल, 1840 से लेकर के 1844, ये जो टाइम पीरियड है, ये इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर बिताया है। और यहाँ पर इनके फ्रेंड थे आर्थर हुक क्लॉक, ये रहा आर्थर हुक क्लॉक। तो इनकी डेथ हो जाती है 42 ईयर्स की एज में मलेरिया की वजह से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये एक पेस्टोरल एलिजी है रिटन ऑन द डेथ ऑफ आर्थर हुक क्लॉक, पेस्टोरल एलिजी है रिटन ऑन द डेथ ऑफ आर्थर हुक क्लॉक। ही वॉज ए क्लोज फ्रेंड, जो मैथ्यू आर्नोल्ड है हमारे राइटर है, एक क्लोज फ्रेंड है, ये जो आर्थर हुक क्लॉक है, ये क्लोज फ्रेंड है किसके, आर्नोल्ड के। बाय द वे, ही वॉज डाइड ऑफ मलेरिया एट द एज ऑफ 42 इन 1861, 1861 के अंदर 42 साल की एज में मलेरिया की वजह से आर्थर हुक क्लॉक की डेथ हो जाती है। और 5 साल बाद में हमारे जो मैथ्यू आर्नोल्ड हैं वो इनके ऊपर एक पेस्टोरल एलिजी लिखते हैं। जहाँ तक चीज़ क्लियर, ये जो है ये सेट इन कंट्री साइड अराउंड ऑक्सफोर्ड, ये जो थायरसिस है ये सेट ऑन कंट्री साइड अराउंड ऑक्सफोर्ड, वेयर, जहाँ पर आर्नोल्ड एंड क्लॉक, आर्नोल्ड और उसकी जो फ्रेंड है आर्थर हुक क्लॉक, हैड टेकन मैनी वॉक्स इन हैप्पियर डेज, यानी कि वो यहाँ पर साथ साथ पढ़ते थे तो उन्होंने टाइम स्पेंड किया है। और ये जो टाइटल है थायरसिस, जो टाइटल है वो इज टेकन फ्रॉम थियोक्राइटस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थायरसिस का टाइटल इन्होंने थियोक्राइटस से लिया है, और ये एक लेटिन पोइम है इन 1861 के अंदर। यहाँ पर टाइटल हो गया थियोक्राइटस से लिया गया है। अब ये जो हमारा टाइटल है थायरसिस, ये एक सेफर्ड है, क्या है, सेफर्ड है। और सेफर्ड जो है, यहाँ पर थायरसिस किसको कहा है, यहाँ पर थायरसिस इन्होंने आर्थर हुक क्लॉक को कहा है। इसका शंबोलिक नेम क्या है, क्लॉक है, आर्थर हुक क्लॉक। तो ये एक चरवाहा है, और ये लॉस्ट ए सिंगिंग कॉम्पिटिशन अगेंस्ट कोरिडोन, यानी कि ये जो पोइम, जो लेटिन पोइम है, इसके अंदर जो थायरसिस है वो हार जाता है एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन अगेंस्ट कोरिडोन। और ये जो कोरिडोन इन्होंने आर्नोल्ड ने खुद के लिए लिया है, मैथ्यू आर्नोल्ड अपने आप को यहाँ पर क्या कहते हैं, कोरिडोन। और थायरसिस किसको लिया है, क्लॉक। तो ये एक इसका बैकग्राउंड था, लॉस्ट ए सिंगिंग कॉम्पिटिशन अगेंस्ट कोरिडोन, और जो थायरसिस है उनकी डेथ हो जाती है, ये मर जाता है। तो ये एक छोटा सा प्लॉट था इसका, बाकी हम इसकी एनालिसिस लाइन बाय लाइन, इसकी जो टेक्स्ट लाइनें हैं वो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो मेन थीम्स हैं ऑफ दिस पोइम आर ग्रीफ एंड लॉस। थायरसिस की जो मेन थीम है वो एक तो ग्रीफ है, दुख है, और दूसरा क्या है, लॉस है। इट डील्स विद आर्नोल्ड्स लव फॉर ऑक्सफोर्ड। इसके अंदर आपको ऑक्सफोर्ड का जिक्र मिलेगा इस पोइम के अंदर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर 4 साल बिताए हैं क्लॉक के साथ में। एंड डेथ ऑफ क्लॉक, दो चीज़ें मिलेंगी इस पोइम के अंदर, आर्नोल्ड्स लव फॉर ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एंड डेथ ऑफ क्लॉक। हिज बिलीफ इन ए स्पिरिचुअल क्यूस्ट फॉर यूनिटी एंड टोटलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इनका। मैथ्यू आर्नोल्ड का जो बिलीफ है, जो विश्वास है इन ए स्पिरिचुअल क्यूस्ट, क्यूस्ट का मतलब होता है डिजायर, स्पिरिचुअल डिजायर फॉर यूनिटी एंड टोटलिटी, ही सेज दैट। और ये क्या कहते हैं, थायरसिस फ्लू अवे फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, यानी कि इनकी डेथ हो गई है। जो थायरसिस हैं, जो हमारे आर्थर हुक क्लॉक है, वो फ्लू अवे, यानी कि दूर चले गए हैं फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इन टू मॉडर्निटी, वो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर चले गए हैं। एंड डेथ, लिविंग आर्नोल्ड अलोन, यानी कि वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं।
यहाँ पर एक नोट मैंने लिखा है कि आर्नोल्ड जो है ये कंपेयर्स थर्सिस विद हिज फ्रेंड अर्थर क्लोग ऑन वाइल ही एसोसिएटेड हिमसेल्फ विद कोल्डोन। आपको एक पॉइंट क्लियर करना बहुत जरूरी है इस पॉइंट को समझने के लिए कि जो अर्थर हुक क्लोग हैं और जो मैथ्यू आर्नोल्ड हैं एट द यंग एज स्टार्टिंग के अंदर, ये दोनों कंटेम्प्रेरी राइटर रहे हैं, यानी कि अर्थर हुक क्लोग भी काफ़ी अच्छे राइटर माने जाते थे, मगर थर्सिस जो मैथ्यू आर्नोल्ड हैं वो इतने जल्दी जल्दी वर्क पब्लिश करते थे कि वो उनको कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, वो जो क्लोग जो हैं वो इतनी जल्दी वर्क पब्लिश नहीं कर पा रहे थे, तो उनकी वजह से जो रेपुटेशन है वो मैथ्यू आर्नोल्ड की कहीं ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से उसका मार्केट में इतना अच्छा नाम नहीं था, मगर मैथ्यू आर्नोल्ड जो है ये काफ़ी पॉपुलर राइटर बन गए थे उस टाइम के। तो ये जो सिंगिंग कॉम्पिटिशन जो यूज हुआ, यानी कि जो थायरसिस हैं थियोक्रेटिस पॉइंट के अंदर, तो वो एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन के अंदर हार जाते हैं कोल्डन से, तो वैसे ही बताते हैं इस पॉइंट के अंदर कि जो अर्थर हुक क्लोग है ये मैथ्यू आर्नोल्ड यानी कि मुझसे ये कंपटीशन के अंदर हार जाती हैं। तो ये छोटी सी एक एनालिसिस थी। अब मैं आपको कुछ लाइंस जो हैं उनकी हम टेक्स्टुअल स्टडी करना चाहते हैं ताकि आपको ये पता चले कि इसके अंदर 240 लाइनें हैं, एक नहीं दो नहीं 50 नहीं 100 नहीं 240 लाइंस हैं। मैं उन सभी लाइनों को तो अभी इस सेशन के अंदर कवर नहीं कर पाऊंगा, मगर कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो अगर आप एग्जाम में लिख देते हैं या जो भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं वहाँ पर उस लाइनों को पूछा जा सकता है। तो चलिए हम उन लाइनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ लाइनें मैंने उठाई हैं इस पॉइंट से। इसकी फर्स्ट लाइन जो है ये ओपनिंग लाइन है, ओपनिंग लाइन है हाउ चेंज्ड इज हेयर ईच स्पोर्टमैन मिक्स और फील्स, हाउ चेंज्ड इज हेयर ईच स्पोर्टमैन मिक्स और फील्स नथिंग कीप्स द सेम। यानी कि इन्होंने जब पढ़ाई की थी 40 से 44 उसके बाद में ये काफ़ी बाद में ये विजिट करते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहाँ पर देखते हैं कि सब कुछ चेंज हो गया है। और उस टाइम जो एक इल्म ट्री होता है, ये जो ट्री की बात करता है वो ट्री, तो यहाँ पर एक इल्म ट्री है, इल्म ट्री ये उसकी बात करता है जहाँ पर अर्थर हुक क्लोग और हमारे मैथ्यू आर्नोल्ड उन्होंने कुछ टाइम साथ साथ बिताया था उस पेड़ के नीचे। तो हाउ चेंज्ड इज हेयर ईच स्पोर्टमैन मिक्स और फील्स नथिंग कीप्स द सेम, यानी कि अब चीज़ें क्या हैं बदल गई हैं। हियर इट, हियर इट ओ थायरिस स्टिल आवर ट्री इज देयर, ये पुकार रहे हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, ओ थायरिस, ओ थायरिस मीन्स ओ क्लोग स्टिल आवर ट्री इज हेयर, यानी कि जो इल्म ट्री है वो भी अभी है। और स्कॉलर जिप्सी, ये एक बहुत बड़े विद्वान रहे हैं जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को यानी कि कुछ और ज़्यादा पाने के लिए अपनी जो किस्ट जो डिजायर थी वो इनकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पूरी नहीं होती है और ये वहाँ से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को लेफ्ट कर देते हैं यानी कि छोड़ देते हैं। तो अवर जिप्सी स्कॉलर हॉन्ट्स, जो हमारी जो जिप्सी स्कॉलर हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर हैं वो भी वहाँ पर हॉन्ट करते हैं, आउट लिविंग थी वो भी बाहर चले गए हैं, लेफ्ट ह्यूमन हॉन्ट, और वो दुनिया को समझने के लिए, दुनिया की ज्ञान को समझने के लिए जिप्सी के साथ में निकल गए हैं। एंड ऑन अलोन इट नाइट, एंड ऑन अलोन टिल नाइट टू के टू रेयर टू रेयर टू रेयर टू रेयर ग्रो नाउ माय विजिट्स हेयर, यानी कि अब मैं सिर्फ अकेला हूँ यहाँ, ना यहाँ पर स्कॉलर जिप्सी हैं ना यहाँ पर अर्थर हुक क्लोग हैं, यहाँ पर सिर्फ क्या है इल्म ट्री है। तो ये जो इंटायर पोइम है इज बेस्ड ऑन डिस्कवरी ऑफ द इल्म ट्री। अगर आप देखें तो ये पूरी की पूरी इंटायर पोइम है, ये थायरसिस है, ये बेस्ड ऑन डिस्कवरी ऑफ द इल्म ट्री एज इट वॉज द सिंबल ऑफ देयर फ्रेंडशिप। और ये जो इल्म ट्री है ये सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप ये जो इल्म ट्री है यहां पर ये सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप है एंड लव फॉर ईच अदर। यानी कि अर्थर हुक क्लोग और जो हमारे मैथ्यू आर्नोल्ड हैं वो बहुत क्लोज फ्रेंड थे। सो द इंटायर पोइम इज बेस्ड ऑन डिस्कवरी ऑफ द इल्म ट्री एज इट वॉज द सिंबल ऑफ देयर फ्रेंडशिप एंड लव फॉर ईच अदर। इट ऑल्सो शोड द सर्च फॉर ट्रूथ विच वॉज कॉन्स्टेंट। और ये जो पोइम है सर्च फॉर ट्रूथ किसके ऊपर है, सर्च फॉर ट्रूथ, और ये ट्रूथ क्या है विच इज कॉन्स्टेंट,
ये जो इंटायर पोइम है ये सर्च फॉर ट्रूथ के ऊपर है, यानी कि सत्य की खोज है, विच इज कॉन्स्टेंट, और सत्य जो है वो हमेशा क्या है, कॉन्स्टेंट है, यू कांट चेंज इट। तो आई होप ये जो एनालिसिस है, ये हमारी एनालिसिस है, ये आपको पसंद आई होगी। हमने जहाँ तक इसकी डिस्कवरी की, हमारी रिसर्च, हमारी पहुँच होश की, वहाँ तक हमने इसको डिस्कस किया। आशा और उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया, रियल में हमारी मेहनत पसंद आई। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।